बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। महाराज अपने आसन पर बैठे, शुरू शुरू की बात है। और ये धारकुनी महाराज ब्रह्मचारी जी कुएं पर वहां आसन लगा के लेटे हैं। अभी शाम को नौ लेटे क्या बैठ के भजन करें, दस नौ दस के बीच का समय है। इतने में ऊपर से बंदर भाग के महाराज के धुने के पास गिरा धम और भागा इधर, गुरु चेला के बीच से भागा इधर और पीछे से धम देना भारी भरकम पे एक जीव कूदा और भागा पीछे। तो महाराज उठ के बैठ गए और धारकुंडी स्वामी जी वहां से खड़े हो गए, दोनों के बीच से भागा। महाराज क्या करे, सच्चिदानंद कौन भागा रे, के आगे है के पीछे है। बोले महाराज आगे बंदर है पीछे शेर है, वो पकड़ लिया। वो बस एकदम मालपू ऐसा लटकत रहा हो के मुंह में। बोले पकड़ लिया। बोले करे मार सारे का छुड़ा रे, संतों के आश्रम में हिंसा कहाँ होता, मार सारे का छुड़ा। अब ब्रह्मचारी जी की हिम्मत थी शेर के मुंह से बंदर छुड़ा ले। महाराज इधर उधर ढूंढत रहे कुछ, इतने में एक पत्थर हाथ लग गया, खींच के मारा शेर को तो पेटे में लगा, लद देना आवाज आई, मुंह थोड़ा ढीला हुआ, बंदर छूट गया, सड़ देना पेड़ पे चढ़ गया। और शेर खड़ा खड़ा देखत रहा महाराज की ओर, फिर आस्ते से चला गया। और वो शेर आश्रम वाला रहा अनसुईया में घोर जंगल में, बहुत बढ़िया व्यवस्था रही, चने का ठिकड़। उसमें गेहूं प्रचुर मात्रा में नहीं था, सही पूछो तो इधर तो यूपी में जंगली क्षेत्रों में तो था ही नहीं, सिंचाई का प्रबंध नहीं था, इसलिए संभवतः नहीं रहा हो। गेहूं की रोटी तो कोई मेहमान आ जाए तो बने। आश्रम में भी चने के टिक्कड़, बारह आना चने का आटा, चार आना गेहूं का मिला दे, इसलिए आटे में लोह चाह जाए, रोटी बनाते बन जाए तो फिर टिक्कड़ बने। फिर दाल कभी कभी सब्जी और भोजन 24 घंटे में एक टाइम, 12 एक के बीच में, सुबह बाल भोग कुछ भी नहीं। और कभी कभी गुरु महाराज को भजन से उठें तब याद आ जाए 10 बजे करीब, तो भंडारी जी से कहें क्यों रे शिवानंद एक एक भेली सबको दे, दो गुड़ निकाल, बाल भोग हो जाए तो फिर एक एक भेली मिल जाए। ये था बाल भोग। और याद नहीं आवे 10 दिन तो कोई बात ही नहीं, फिर एक टाइम भोजन, शाम को कुछ नहीं, दोपहर की एक दो टिकड़ बच जाए, चने की रोटी भी आधा इंच मोटी रहे, वो टिकड़ बच जाए तो तोड़ के आधा चौथाई टुकड़ा खा लिया करें, जिसको भूख लगे, नहीं तो नहीं। वो 24 घंटे भजन सत्संग यही रहनी थी। कभी कभी महाराज शाम को कहें धूना चिताओ, लारे कढ़ाई तो 1 किलो गाय का घी, 1 किलो आटा, 1 किलो चीनी से बने हलवा, रात को 9 बजे। और जब हलवा तैयार हो जा कै जने हो रे, बोले महाराज 8 जने, 8 बखरा कर दे, 8 जगह बांट दे। तो 1 किलो आटे से बन जाता है करीब 7 किलो हलवा तैयार हो जाता है सब मिला के।
बस सबको अलग अलग कटोरा में तीन तीन पाव करीब सबको मिल जाए और दे दे लो खाओ। सब लोग बहुत खुश हो। तूने फिर हवन कर दे। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा, ओम शंकराय नमः स्वाहा, ओम गुरुदेवाय नमः स्वाहा, और पांच बार कह के प्रणाम कर ले। तो हमें मालूम नहीं कि कह क्या रहे हैं। हम बोले क्या करते हो, क्यों डालते हो आग में? तो बोले हवन कर रहे हैं। हम बोले कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु क्या है? तो हमारी समझ में नहीं आवे। तो बोले पांच बार ऐसे डाला जाता है। डाल दिया, हवन हो गया। बहुत समय बाद समझ में आया कि लोग क्या क्या रहे हैं। गणेश का मतलब है आरंभ। वो गणों के ईश थे। मन से इंद्रियां जब संयम हो जाती है, तो संयम शुरू में तो होती नहीं, संयम करने की शुरुआत होता है जागृति काल। गणों के ईश गणेश, ये तो अलग व्याख्या। और फिर बांट दे हो गई धुना चेत गया। कभी कभी धुना चेता रहे तो पकौड़ी बन जाए, बढ़िया ढंग से बने। बेसन में सब्जी कटे, फिर क्या क्या डालें और फिर बन जाए। और जब महाराज भूल जाएं तो हम लोग याद दिलाएं। महाराज ने क्या आपस में क्या धुना चेते तो बहुत दिन हो गया। बोले भजन नहीं होते ही हलवा 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 करते मन। राम 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 नहीं करते, हलवा 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 करते। तो फिर चेता हुए हैं। 15 दिन में जरूर एक बार धुना चेत जाए। उस क्षेत्र में मिठाई थी ही नहीं। मिठाई का मतलब गुड़ और कुछ नहीं। वो जो दूना चेत जाए तब क्या कहना। वो एक मन बहलाव था। करवी में कुलानंद जी की कुटिया थी। वो अरेल के बहुत अच्छे महात्मा थे। उस समय उनका बड़ा नाम रहा। महाराज से प्रेम रहे तो पहुंच जाया करें। समय समय पर एक दिन उन्होंने कहा महाराज करवी में हमारे कुटिया तक पधारे, दर्शन दें। तो बहुत कुछ कहा तो एक दिन चले गए। बोले मैं आसन छोड़ूंगा तो हमारे ही सब कर्म हो जाएंगे। बोले महाराज कुछ नहीं होगा। बोले चलो फिर। तो उनके साथ एक बिटिया रहती रही है। वो बिटिया ने मौसमी में थोड़ा पानी धोखे से मिल गया, कपड़ा धो के छन्ना और उसी से कपड़ा निचोड़ दिया मौसमी में, तो सादा पानी चला गया। उससे थोड़ी खांसी आने लगी बुरी तरह। तो बोले देखो ना कच्चा पानी मिला दिया। हम कह रहे हैं ना अम्मा जाब तो हमारे ही सब कर्म हो जाएंगे, फिर भी ले आया, माना नहीं। इतने में देखा कि कुत्ता पड़ा पड़ा भों 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 कर रहा है। बोले परमर्षि कुत्ता काहे भूंकते? बोले सपन देखते है, यहाँ भंडारा हुई, ये गाय वाई भगावत है, पत्तल फेंका जाए और सब लोग खाएंगे, पत्तल फेंकेंगे, ये भगावत है और कुत्तों को और गायों को अपने खाए खातिर। तो बोले भंडारे का दियो कोई आयोजन है ही नहीं। बोले भंडारा हुई भाई, बतावत है कुकरवा हमके, कोई आयोजन नहीं। जब रात में 9-10 बजे करीब जो सेठों को पता चला, अरे परमर्षी आए वहां पर, तो दौड़ के आए। रात भरे में आटा बाटा इकट्ठा किया, भंडारा शुरू कर दिया। सुबह महाराज जब आसन से उठे तो भंडार छिता हुआ था। फिर जम के भंडारा हुआ, पत्तल फेंका,
वही कुत्ता दौड़ दौड़ के गाय भगा उतरा महाराज के, देख रहे वो भगावत है। पशु पक्षियों की भाषा भी महाराज बली प्रकार जान जाया करें। अंशी आश्रम में PWD के कोई अफसर कागजात सहित झोलिया रख के घाट पर घूमने लगे इधर उधर, लौट के आए तो झोलिया नहीं थी महाराज, और तो कुछ नहीं, पैसा की कोई बात नहीं, लेकिन कानूनी कागजात जिसमें थे हमारे, मैं तो संकट में पड़ जाऊंगा, कौन ले गया, कोई आया भी नहीं। तो महाराज बोले हैं, ढूंढो ढूंढो कहीं बंदर ने ले गया हो, तो ढूंढा गया नहीं मिला। तो महाराज उठ के खड़े हो गए, देखा इधर उधर बंदरन की तरफ, तो वहां दूर बैठ के बंदरिया बोली तो महाराज बोले का कहते रे, तो बोले नीचे पंजा ऐसे लटका के बोले देख रहे हो, बताओ थे वहां पड़ा है, गए तो पा गए। तो महाराज से बंदरों ईशा बताया करे, इशारा कर दिया करे। घाट पर लोटा रख के यात्री इधर उधर घूमने लगे, लोटा गायब। तो बोले महाराज लोटा रखा था, पता नहीं किधर चला गया। महाराज बोले यहाँ चोरी वोरी होती नहीं, कैसे हो गई, ढूंढा नहीं मिला, हमारी यहाँ चोरी कैसे हुई, सब डाकुओं ने डाका बंद कर दिया, चोर कहां से आया। तीसरे दिन एक आदमी लोटे में घी भर के, बड़ा लोटा रहा 1 किलो करीब घी आ जाता रहा, भर के ला के रखा महाराज के बाजू में आसन के नीचे, और चुपचाप प्रणाम किया और सीढ़िया उतर गया। तो महाराज बोले के हरे, कौन आया, प्रणाम किया और चला जा रहा है। बोला 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 करे, लोटा भूल गया रे यहीं पर, ले जो लोटा। तो बोले महाराज आप ही का है, यहीं का। बोले वो कैसे, बोले परसों मैं ही ले गया रहा हूं घाट पर से चुराए के। तो बोले फिर काहे लाए, बोले आप त्रिशूल लेके छाती में भोंक दिए रहो। तो बोले चल साले लेके हमारे यहां चोरी करिए। तो महाराज तो हाथ जोड़े हूं, माफी मांगे हूं, तो हम सोचे खाली का ले जाऊं जो महाराज जी का है, तो घी भर के लाया हूं। इसलिए चोरी डाका नहीं होता रहा अंशिया में, डाकू को बुखार चढ़ गया, शेर घेर लिया, चोर के छाती में त्रिशूल लग गया। तो महाराज का स्वरूप सब जगह पहुंच जाया करे, स्वरूप से डांट पड़ जाया करे। कोल भीलों के साथ भी यही बीतता था। गुरु महाराज सुबह सुबह 2 बजे उठ के स्वयं बैठ जाए, 3 बजे से सबको बैठा देखना चाहे तो सभी भजन बैठ जाए, 4 बजे करीब भजन गुनगुनाया करें। 2 भजन बड़े पेटेंट थे गुरु महाराज के, एक तो जागरी मोरी सूरत सुहागिन, दूसरा भजले मन राम सिया राम सिया राम। तो भजले मन राम सिया राम सिया राम, भजले मन राम सिया राम सिया राम। राम नाम कमल फूल, संतन मन भंवर भूल, पीवत रस झूम झूम अमृत अनुपान, भजली मन राम सिया राम सिया राम।
राम नाम निर्मल नीर संतन मन सरयू तीर मज्जत निर्मल शरीर पावत विश्राम बजली मन राम सिया राम सिया राम। राम नाम वेद मूल तेहि समान नहीं तुल को विद करत गान पावत विश्राम ओ भजली मन राम सिया राम सिया राम। भजले मन राम सिया राम सिया राम। राम नाम ओंकार तुलसीदास नमस्कार दीजे प्रभु भक्ति सार पल पल प्रणाम। भजले मन राम सिया राम सिया राम। भक्ति का सार है पल पल प्रणामा, हर पल हम प्रणाम करें, समर्पित रहें, चरणों में झुके रहें, चरणों में नत रहें, एक भी पल भटकने न पावे, यही भक्ति का सार है। तो दीजिए प्रभु भक्ति सार पल पल प्रणाम पल पल प्रणाम, चलता रहे एक भी पल आपके प्रति समर्पण से भटकने न पाए, व्यर्थ न जाने पाए। दूसरा भजन था सोना और जागना। जागना परिश्रम है, सोना परिश्रम का निवारण है, खाना अनिवार्य है शरीर के निर्वाह के लिए, ऐसे सोना भी अनिवार्य है, एक भोजन है शरीर का। जागना थकान है, सोना थकान का निवारण है। स्वस्थ व्यक्ति यदि 15 दिन नींद नहीं आवे तो पागल हो जाएगा। ये शरीर की खुराक है, इसी आधार पर ही बना हुआ है। लेकिन मन का वासनाओं में बहक जाना सोना है और इससे सचेत हो जाना जागना है। मोह निशा सब सोवनी हरा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी निशा में सभी लोग निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, दीर्घ कोमा में गाढ़ निद्रा में पड़े हैं। रात दिन जो अर्जित करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, मात्र स्वप्न देखते हैं। ये सपना घड़ी 2 घड़ी का और 80-85 साल का और क्या, फिर तो सपना ही है। फिर लौट के कोई अपने घर परिवार की रहनी को कोई नहीं देखता, सदा के लिए छूट जाता ये सपना, फिर सपना है। इसलिए जगत रूपी रात्रि में संयमी पुरुष जाग जाता है। इसी आशय का भजन गुरु महाराज का बहुत प्यारा भजन। तो जागती है मनोवृत्ति, जागती है मन की दृष्टि, उस दृष्टि का नाम है सूरत। हम यहाँ पढ़े हैं, बढ़िया भजन की चर्चा हो रही है, मन लगा है, सहसा कोई कह दे कि छोटा लड़का छत से गिर गया, बेहोश से अस्पताल गया, तो यहाँ चाहे सब कुछ बढ़िया चलता हो, सत्संग चलता हो, दृश्य बढ़िया दिखाई देता हो, आंखें खुली हैं दृश्य दिखाई पड़ेगा, कान खुले हैं शब्द सुनाई पड़ेगा, लड़के का एक एक रोवा दिखाई पड़ेगा, बरौनी कैसी, पलकें कैसी, हाथ की उंगलियां कैसी, क्यों आंखें खुली या नहीं दिखाई पड़ेगा, आंखें नहीं देखती, इसके पीछे विचार देखता है,
विचार तो वहां चला गया जहां लड़का है। कान नहीं सुनते, विचार सुनते, विचार वहां चला गया। जो देखते वो दृष्टि का नाम सूरत है, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। ये जग गई, इस जगत रूपी रात्रि से हटकर परमात्मा चिंतन में लग गई तो जग गई। तो जागरी मोरी सूरत सुहागिन, जब भगवान उठा बैठाने लगे, मन की लगाम पकड़ के खुद सचेत करने लगे, उस दिन से सूरत सुहागिन हो जाती है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।